जो मेन आता है अंडरस्टैंडिंग द स्कल मैट्रिक्स. नाउ हम सबको मालूम है क्या होता है स्कल, है ना? दिस इज अ क्रिस्टल स्कल, दिख रहा है आपको? दिस इज अ क्रिस्टल स्कल. अब क्या होता है, जब हमने भी शुरू किया था क्रिस्टल स्कल के साथ काम करना, तो सबसे पहले स्कल तो सुन के ही ना डर लगता था. स्कल, ओ माय गॉड, भूत प्रेत जादू टूना, सबके दिमाग में यही आता है, राइट? पहले तो मुझे फैमिली से ये भी बोला था, अरे यार स्कल के साथ मत काम करो, लोग क्या सोचेंगे. आप, ये दिख रही है आपको फोटो क्रिस्टल स्कल्स की? जी हाँ, ये फोटो है। हाँ, ये देखिए स्कल्स दिख अच्छा, रही समझ गया समझ गया समझ है, दिस गया। इज क्रिस्टल स्कल. अब ये क्रिस्टल स्कल हम, आप सोचिए हम क्यों काम करेंगे? आप में से कोई मुझे बताएगा, आप बताइए. आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू पीपल, हम क्रिस्टल स्कल के साथ क्यों काम करेंगे? एनी आइडिया? इसमें सारी मेमोरी स्टोर रहती है। किसने बताया? रमीला जी. हाँ या जी, डेफिनेटली, बिल्कुल. एक्चुअली ये टेक्निक थी जो लेमुरियन सभ्यता या फिर आप सुमेरियन जो थे वो क्या करते थे, अपने पूर्वजों, यू नो, हर पूर्वज की उनकी जो सारी मेमोरीज थी. प्लीज कोई डिस्टर्बेंस आ रही है किसी? तो जो स्कल्स है, स्कल्स के अंदर होती है मेमोरीज. अब उनकी क्या थी, देखिए आप जो मैं आपको बुक्स बता रही हूँ ना, आप जब वो पढ़ेंगे बुक्स, आपको समझ में आएगा कि कैसे अर्थ के ऊपर लाइफ आई और कैसे कैसे हमारी नॉलेज बढ़ी, कैसे किस यू नो सनत कुमार आए या फिर बहुत सारे हमारे हायर बीइंग्स आए, तो कैसे कैसे अर्थ में आकर उन्होंने कैसे कैसे आया सब कुछ, राइट? तो नॉलेजेस कहाँ से आई, इंटरस्टेलर नॉलेज कहाँ से आई. अब ये जो नॉलेजेस थी जिनके साथ काम किया, तो स्कल में क्या होता था कि वो लोग जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते थे, एवरीडे के एक्सपीरियंसेस, वो स्कल में आके उसको भर देते थे, उसके अंदर सेव कर देते थे. जैसे आज हम उस कंप्यूटर चिप में सेव करते हैं, वो उनके पास स्कल्स होते थे, क्रिस्टल स्कल्स होते थे, और उसके अंदर वो सेव कर देते थे एवरीडे एक्सपीरियंसेस. तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्कल चलता रहता था और उसके अंदर सारी डिवाइन नॉलेज होती थी. उनको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होती थी, वो बस वो जो स्कल होता था वो इतना डिवाइन स्कल होता था. अब वो जो पूरे जो मुझे मालूम है कितना, कि पूरे वर्ल्ड में अभी ऐसे 12 स्कल्स हैं, ऐसे 12 स्कल्स हैं जो अभी ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, आर्किटेक्चरल एक्सकेवेशन, वो निकले हैं. उनके बारे में इट्स बीन यू नो 1000 ऑफ इयर्स की वो कंटिन्यूड है. एंड दीज स्कल्स जिसके भी पोजेशन में होते हैं, दे टॉक टू देम. ऐसे नहीं कि वो ऐसे बात कर रहे हैं, एनर्जेटिकली दे टॉक टू देम और सारी नॉलेज देते हैं. आज भी जब हम ये कोर्स करेंगे, आई विल शो यू सर्टेन वीडियोस ऑफ द पीपल हु आर हैविंग दीज स्कल्स, जो डिवाइन स्कल्स, जो 12 स्कल पूरे वर्ल्ड में है. अब क्या है, हम क्या करते हैं, हम उनकी एनर्जी इन स्कल्स में डाल के हम पूरा मैट्रिक्स बनाते हैं. इट इज द हायर फॉर्म ऑफ हीलिंग. देखिए हम लोग सब क्यों परेशान है अपनी लाइफ में. आज कोई भी अगर आपके पास आता है, कोई पैसे से परेशान, कोई हेल्थ से परेशान, है ना, कोई रिलेशनशिप से परेशान, ये जो सारी परेशानियां, ये क्या है? इट इज इग्नोरेंस. जो है हम उसको इग्नोर करते हैं, जो नहीं है हम उसके पीछे भागते रहते हैं. पूरा कारण ही यही है. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू वॉट इज वॉट यू आर इग्नोरिंग एंड आप किस चीज के भाग पीछे भाग रहे हैं. द स्कल्स आर हैविंग दैट नॉलेज. स्कल्स के अंदर हम उन सबकी एनर्जी डालते हैं एंड वी डू हीलिंग विद दैट. दिस इज अवर मेन पर्पज ऑफ हीलिंग विद द स्कल्स. ठीक है, तो Day 7 में हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग स्कल मैट्रिक्स, कनेक्टिंग विद द क्रिस्टल स्कल. हम कैसे कनेक्ट करते हैं, क्लीनिंग एंड प्रोग्रामिंग क्रिस्टल स्कल्स. ठीक है, अब क्रिस्टल स्कल, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो असली में जो फोटो है ना, दिस इज शानारा, दिस इज द मेन मेन स्कल, जो डिवाइन स्कल है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. दिस इज दैट स्कल एंड द पीपल हु आर पोजेसिंग दीज स्कल्स, they are able to communicate all the future events which is happening into the world. और अभी ये रशिया के अंडर है, जो शायद सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रशिया है, वहाँ पे उनके अंडर है ये. वहाँ पे दे आर, यू नो, आपको अगर पता नहीं मालूम है या नहीं, आप सब बहुत ज्ञानी जन है तो आप शायद मालूम होगा कि रशिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है इन डिवाइन नॉलेजेस, और उनकी अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी है, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है. और वहां से रशिया आज सुपर पावर इसलिए ही है, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स.
ठीक है. टुडे वी यूज क्रिस्टल स्कल्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस एंशिएंट स्कल्स टू यूज द डिवाइन इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी टू पास फ्रॉम सिविलाइजेशंस टू सिविलाइजेशन. और ये शानारा की असली फोटोग्राफ है. दिस इज द हाईली डिवाइन. एक मेरे सेशन में मेरे क्लाइंट ने मुझे ये बताया, देखिए बहुत डिवाइन है, आप समझिए इस चीज को. और मुझे उस बात से ना बहुत ज्यादा समझ आया था कि सच में हो क्या रहा है. मैंने अपने आप को कनेक्ट किया, आप भी अपने आप को कनेक्ट कीजिए. उन्होंने बोला कि एक मंदिर था जहाँ पे मतलब वो प्रीस्टेस थी किसी जन्म में. और क्या होता था कि वहां पे डिवाइन पावर्स, उनके पास जो डिवाइन पावर्स थी उनका काम ये था कि वो सिंबल्स वो कम्युनिकेट करती थी. उनको किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो कम्युनिकेट करती थी इन द वे ऑफ सिंबल्स. तो वो क्या करती थी, सिंबल्स को ना पेंट कर देती थी उसके पिलर पे. ठीक है, तो उस जो मंदिर के पिलर्स थे सारे वाइट थे. अब कोई भी वहां पर आता था, उनको जो जिन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं जानी थी, जो डेस्टाइन नहीं थे, उनको वो पिलर सिर्फ व्हाइट दिखते थे कि अच्छा टूटा फूटा मंदिर है, व्हाइट पिलर है. बट पीपल हु वर डेस्टाइन टू गेन नॉलेज, उनको वो पिलर व्हाइट नजर नहीं आता था, उनको उस पिलर पे सिंबल नजर आते थे, उनको कम्युनिकेट हो जाती थी एनर्जी. हमारे पास सब कुछ सामने है, आपका नजरिया मैटर करता है. सब चीजें आपके सामने है, आप चाहो तो वो धूल है, मिट्टी है, आप चाहो तो वो बहुत कुछ है. ठीक है ना, पारस भी तो एक पत्थर ही है ना. आप चाहो तो वो पत्थर है, आप चाहो तो वो पारस है. एवरीथिंग इज बिफोर यू. ये सिर्फ आपका नजरिया, आप क्या किस चीज को क्या देख रहे हैं. द मैसेज विच वी वॉन्ट फ्रॉम दीज कर्ल्स आर प्योरली ऑफ एंशियंट एडवांस्ड नॉलेज. हमें ऐसी वैसी नॉलेज नहीं चाहिए, बिकॉज हमें सब कुछ देखिए, आप सब लोगों को अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप सब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से निकले हैं. बट अभी भी हम लोग इतनी नॉलेज गेन करने के बाद भी हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं. टू गेन दैट, टू हैव द विजडम ऑफ दैट, वी आर वर्किंग विद द स्कल. ठीक.